भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के प्रचार का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत पेंशनर फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक ऐप के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र खुद जारी कर सकते हैं। इसे लेकर आज प्रयागराज के बमरौली एसबीआई शाखा में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। हर साल नवंबर महीने में जो पेंशनर्स हैं उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, तो उनकी ईज ऑफ लिविंग की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए पिछले साल माननीय मंत्री जी ने फेस ऑथेंटिकेशन ऐप लॉन्च किया है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से पिछले साल 20 लाख लोगों ने अपना सर्टिफिकेट बैंक में या फिर जो भी कंसर्न्ड एजेंसी है वहाँ पर दिया हुआ है। फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से सबसे बड़ा फायदा ये है, आपकी ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाते हुए आप घर बैठे अपना ये सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसान प्रोसेस। फेस रिकॉग्निशन के लिए जो लोग इधर उधर परेशान होते हैं उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो फेस रिकॉग्निशन करके एक आधार फेस आरडी एक ऐप लॉन्च हुआ है, उसके सहायता से वो लोग अपना खुद घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। वो आपके आधार से लिंक हो जाता है और इसके बाद आप अपना लाइफ प्रमाण सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। भारत सरकार की तरफ से कि पेंशनरों को जानकारी दी जाए कि वो स्वयं भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं अथवा वो लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए व्यवस्था जहां की जा रही है वहां पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाएं, और अगर वो स्वयं बना लेंगे तो वो उनको किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका रहन सहन का स्तर ठीक रहेगा कि वो यात्रा न करना पड़े और वो स्वयं अपने घर बना लें। शनिवार